Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S. K. Sinha. Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope कि सब अच्छे होंगे. तो students, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है. और आज मैं फिर उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया टॉपिक लेकर के. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस. दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BTech, BSc एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से बीटा गामा फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशंस ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो रिविजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पर जाकर के देख सकते हैं. ओके तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन से. इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एक्सेशन कंडीशन ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. बट बिफोर स्टार्टिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे. मैं एस के सिन्हा, MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस. आई स्टूडेंट्स, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इंट्रोडक्शन इन एक्चुअल वे, व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशंस और इसका क्या यूज है फील्ड में, ठीक है ना, इंजीनियरिंग में क्या है, साइंटिफिक में क्या है. तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इज वाइडली यूज इन द इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके और स्टूडेंट्स, गेट में भी बहुत बार लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो गेट के स्टूडेंट्स के लिए भी खास तौर पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्चुअल वे, व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. ओके लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन और लैपलास ट्रांसफॉर्म, देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ए ट्रांसफॉर्मेशन इज a mathematical device which convert one function into another. ओके फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ए ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैथमेटिकल डिवाइस विच कन्वर्ट वन फंक्शन इन टू एनदर. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज फॉर एग्जाम्पल व्हेन द डिफरेंशियल ऑपरेटर D, ठीक है स्टूडेंट्स, D, अब देखो कि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने वहां भी एक ऑपरेटर लिया था D, जो डिनोट करता है हमारा D by dx और the derivative with respect to D any function. ओके सो फॉर एग्जाम्पल when the differential operator D or is equal to D by dx, मैं ऐसे ले लेता हूँ, चलिए D is the differential operator D by dx. ओके एंड this differential operator D is equal to D by dx operator on f of x, this differential operator d is equal to d upon dx operate on fx is equal to, कोई फंक्शन ले लेते हम d f of x, ठीक है स्टूडेंट्स, operate on fx is equal to sin x, it gives a new function
g of x is equal to d f of x is equal to cos x. यह है स्टूडेंट्स, देखिए आप, ओके, कि व्हेन द डिफरेंशियल ऑपरेटर d, ओके, मींस यू नो d d by dx ऑपरेट ऑन एनी फंक्शन f x, कोई भी है साइन है कोस है एनी फंक्शंस f x ऑन साइन x, इट गिव्स ए न्यू फंक्शन. और देखिए, अकॉर्डिंग टू ए ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मैथमेटिकल डिवाइस विच कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन. इसी तरह से मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स है, जो कि मैंने ले लिया साइन एक्स. अब मैं उस पर कुछ ऑपरेट करता हूँ, कुछ ऑपरेशंस यूज करता हूँ मैं, ओके, और वो जो फंक्शन है हमारा इज कन्वर्ट इनटू अनदर फंक्शन, ओके, इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फंक्शन. मीन्स इफ योर वन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, लिसन प्लीज, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड व्हेन वी ऑपरेटर द डी, डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑन दिस साइन एक्स, एंड यू नो द डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स इज cos x. Is it clear? So it gives a new function gx, and this fx changes into gx, and this gx is, and this d differential operator d means d by dx on this sin x, this sin x changes into cos x. Okay, so students, ye hamara ek, main ek example aapko bata raha hu ki Laplace transformation mein bhi hum कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अनदर फंक्शन, ओके. तो जो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इज वाइडली यूज इन द साइंटिफिक एंड द इंजीनियरिंग फील्ड, ओके. इसका जो है साइंटिफिक में भी और इंजीनियरिंग फील्ड में भी बहुत बड़ा यूज है, ओके. दिस इज वाइडली यूज इन द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंसेस, ओके. तो नाउ, और देखिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजफुल इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन, इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू initial value problems involving homogeneous and non-homogeneous equations. It reduces the problem of solving a differential equation to an algebraic problems. Which are relatively much easier to solve. Okay, तो ये है हमारा, this is introduction of the Laplace transformation. कि Laplace transformation is useful in finding the solution two initial value problems involving homogeneous and non-homogeneous equations. It reduces the problems of solving a differential equation to an algebraic problems, okay, which are relative much easier to solve, okay. So since ye hamara, this is introduction of the Laplace transformations, कि एक्चुअल में जो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या है, और लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के जो फंडे हैं, हम वहाँ पे
क्या यूज़ करेंगे, किसी भी फंक्शन को किसी अनदर फंक्शन में किस तरह से यूज़ करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ एल्जेब्रिकली, कुछ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, कुछ फंक्शंस, कुछ कंडीशंस हम वहाँ यूज़ करेंगे इन द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन वी कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शंस, चेंज द गिवन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन विद द कंडीशंस, विद द एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स. ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल्स. ओके, कि हाउ टू कन्वर्ट द कंडीशंस इन द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इनटू अनदर कंडीशंस. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. सो राइट डाउन प्लीज डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. Now, definition of Laplace transformation. Okay, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. लेट एफ ऑफ टी बी अ well defined function be a well defined function of t for all t greater than equal to 0. ठीक है students, एक कोई function मेरे पास मैंने ले लिया कि let f t well defined function है t का, okay, for all t greater than equal to 0. ओके, एंड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी डिनोटेड बाय एल एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ बार एस. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की एक टी एफ ऑफ टी मैंने ले लिया, दिस इज वेल डिफाइंड फंक्शन ऑफ द टी, एंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज ऑलवेज बी डिनोटेड बाय एल एफ ऑफ टी, एंड हेयर व्हाट इज एल, तो राइट ऑन प्लीज हेयर L is called Laplace transformation operator. Laplace transformation operator. L जो है हमारा ये, this is the capital L. L जो है ये क्या हमारा students? L is the लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर. एंड व्हाट इज दिस एस, अब यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है. आपने ये तो ठीक है कि व्हाट इज एल, एल इज द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर, एंड व्हाट इज एस, सो राइट डाउन प्लीज. सो वेयर एस वेयर एस where s is a parameter which may be real or complex, which may be real or complex, the parameter s is real or complex. So students, this is definition of the Laplace transformation. So I repeat again, L हमने कोई भी मान लिया students कि let L f of t be a well-defined function of t for all t greater than equal to 0.
The Laplace transformation of ft denoted by 0 to infinity e raised to power minus st f dt, where this L, here L is the Laplace transformation operator, and this S is a parameter of real or complex quantity. Okay, students. So, ye aap yaad rakhenge. So, this is the formula of the Laplace transformation. Yeah. Okay. So, ab hum baat karte hain ki what is the existent condition of Laplace transformations? Aye, students. Yes, students, have you any problems in the definition of the Laplace transformations? Yes, please tell me, have you any doubt? Okay, yes, no problem. Okay, next is number 3. Introduction complete, definition complete. And 3 is existence condition of Laplace transformation. Okay. The Laplace transformation of Ft of f of t exist for all s greater than a. Take it, students. The Laplace transformation of f t exist for all s greater than a. If f t is a function, if f t is a function which is piecewise continuous, on every finite interval in the range t greater than or equal to 0 and is of exponential order, a as t approaches to infinity. Okay, students, ki the range t greater than or equal to 0 and is of the exponential order a as t approaches to infinity. That is, number 1, ft is piecewise continuous. Okay, number 2, limit t approaches to infinity e raised to power minus st ft is finite. Theek hai, students, ye do condition ho gayi hamare paas yahan pe, and these condition These conditions are sufficient, but not necessary for the existence of Laplace transformation if these condition
if these conditions are satisfied, the linear transformation, the Laplace transformation must exist. Okay, ki for the extant condition, these conditions are satisfied. Okay, these two conditions are satisfied, but these conditions are sufficient but not necessary for the existence of the Laplace transformation. If these conditions are satisfied, okay, the linear transformation is also must be satisfied. Agar students ye condition satisfy nahi hai to linear condition bhi hamari satisfy nahi hogi. Okay, so it means if these conditions are not satisfied, are not satisfied, then linear transformation may or may not exist. Yes, students, dekhiye. Okay, so this is the existent condition of the Laplace transformation. So in dono condition ke liye ki agar hamara if ft is piecewise continuous, okay, or second condition is limit agar hamari t approach to infinity karti hai on the function e raised to power st ft dt is finite, so it means the conditions are sufficient but not necessary for the existence of the Laplace transformation if these conditions are satisfied. The Laplace transformation must satisfy. If these conditions are not satisfied, then the Laplace transformation may or may not satisfy. Okay, so students, ye thi hamari extant condition of the Laplace transformations. Okay, so aaj humne first lecture mein kiya Laplace transformation ka, jo aaj hamara first lecture hai. आज हमने सीखा उसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द एक्सटेंट कंडीशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस और एक्सटेंट ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत अच्छे समझ में आ गया है. ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस लेकर के आऊंगा और विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शंस वी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, यू नो द मेन फार्मूला ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज एल एफ ऑफ टी. स्टूडेंट्स, this is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus st ft dt. Okay, students, with the help of this formula, we can prove the elementary Laplace transformation function. Okay, elementary conditions of the Laplace transformation. Okay, so students, aaj humne jo kiya hai, this is the formula of the Laplace transformations by the definition of the Laplace transformation. तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया. दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस एंड दिस इज द मेन बेसिक ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस. ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट्री फंक्शन. ओके, तो स्टूडेंट्स बताइए आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा. प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्वेश्चंस इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.